आज हम बनाएंगे त्योहारों में चार चांद लगाने वाली बेसन के लड्डू मिठाई। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू, जो कि त्योहार में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर दिवाली में। चार चांद लग जाते हैं हमारे त्योहार में, बेसन के लड्डू बनते ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई यानी पैन नॉन स्टिक। इसमें 3 से 4 चम्मच में बड़े चम्मच से घी डालूंगी। तो देखिए मैंने घी डाल दिया। अब इसमें मैं 50 ग्राम कम से कम रवा डाली हूँ, छोटी कटोरी से एक कटोरी रवा डाली हूँ। अब इनको मैं अच्छे से भूनूंगी, यानी सूजी रवा, तो इनको अच्छे से भूनूंगी। देखिए हमारे रवा जैसे जैसे भूनेंगे इनका घी सेपरेट होना चालू हो जाएगा। तो देखिए हमारे रवा का कलर भी चेंज हो गया और घी भी बढ़िया से सेपरेट होने लगा। तो देखिए बबल्स भी आने लगे, यही इसकी पहचान है कि रवा भून गया। अब इसमें मैंने एक कटोरी भर के बेसन डाला है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके चलाएंगे। हमको लगातार इसको चलाना है ताकि नीचे पकड़े नहीं। वैसे तो ये पकड़ेगा नहीं, नॉन स्टिक कढ़ाई है। हम इनको बढ़िया से चलाएंगे। अब देखिए इस तरह स्पैचुला से मैं मैश कर रही हूँ ताकि हमारे बेसन में एक भी लम्स ना रहने पाए। अब बढ़िया से इनको चला चला के हम भूनेंगे। तो देखिए बेसन हमारे भून रहे हैं। अब इनको हमको बढ़िया से भूनने हैं ताकि बेसन का कच्चेपन निकल जाए। इनको भूनने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करूंगी। देखिए 1 बड़े चम्मच घी ऐड किया मैंने। मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करके भूनूंगी इनको अच्छे से। तो देखिए हमारे बेसन भून रहे हैं। अब इनको बढ़िया से हम भूनेंगे। बेसन के लड्डू तो आप सबको बहुत पसंद होंगे, हमें भी बहुत पसंद है, और त्योहारों में खासकर बेसन के लड्डू बनते ही बनते हैं। तो देखिए मैं और 1 चम्मच इसमें घी ऐड करूंगी। और स्पैचुला मैंने चेंज कर दिया, मुझे इससे बढ़िया से चलाने को जम रहा था। तो देखिए मैं घी डाली और अब इनको भूनेंगे अच्छे से। आप घी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं एकदम कम घी में बना के दिखाऊंगी आपको कि कम घी में भी बनेगा। आप देखिए मैंने इलायची कूट के, 4 से 5 इलायची का बीज कूट के डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अब इनको जैसे जैसे भूनेंगे इनका कलर और कंसिस्टेंसी चेंज होता जाएगा। तो देखिए हमारे कलर, बेसन के कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, और घी भी हल्का हल्का 4 से 5 मिनट भूनने के बाद घी भी सेपरेट हो रहा है और कलर भी इनका चेंज हो रहे हैं। तो देखिए हमारे बेसन कुछ इस तरह दिख रहे हैं। अब घी भी सेपरेट होना चालू कर दिया। मैंने घी कम डाला था, घी की क्वांटिटी आप यहीं पे ज़्यादा रखते तो बहुत सारे घी निकल के आते इसमें, बट कम घी में भी बढ़िया बन जाएगा ये। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें घी दिख रहा है आपको और ऊपर आ रहा है घी। अब और बढ़िया से थोड़ा थोड़ा और भूनेंगे। और फ्रेंड मैंने 1 कटोरी यानी 150 ग्राम घी लिया था, 150 ग्राम घी। इससे मैंने बेसन को भूना है और कम से कम 1 चम्मच घी और मेरा बच गया है। मैंने उतने में ही बेसन को भून के तैयार कर रही हूँ। आप इसको भी डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए हमारे बेसन कितना बढ़िया भून रहा है और एकदम कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा है और सॉफ्ट और नरम होते जा रहे हैं। और घी देखिए कितना बढ़िया सेपरेट हो गया, यानी यही हमारी पहचान है बेसन की। अब इनको हम बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे, 1 से 2 घंटा कम से कम रख देंगे कि बढ़िया से ठंडा हो जाए। अब देखिए ठंडा होने के बाद इसमें मैंने 250 ग्राम शक्कर मिक्सी में बारीक कर लिया था। अब इसको डालेंगे। आप इसको गर्म में बिल्कुल ना डालें, नहीं तो हमारे शक्कर मेल्ट हो जाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। एकदम ठंडा होने के बाद आपको शक्कर ऐड करनी है। अब इसका हम बना लेंगे बढ़िया से लड्डू। आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स अगर खाना पसंद करते हैं वो बारीक कट करके डाल लीजिए, वरना ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनका फटाफट से एक और लड्डू तैयार करके आपको दिखाती हूँ। और कलर टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया इसका दिख रहा है। फ्रेंड्स आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। और मैंने इसमें कोई भी कलर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये नेचुरल कलर दिख रहे हैं हमारे बेसन के लड्डू। मैंने कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए मैंने 4 से 5 बनाया है। इसी तरह हम सब बना के लड्डू को तैयार कर लेंगे। अब इनको बढ़िया से काजू लगा के डेकोरेट करके सजा बजा देंगे ताकि हमारे बेसन के लड्डू और बढ़िया दिखे। और दिख रहे हैं ना हमारे बेसन के लड्डू कितना बढ़िया। फ्रेंड आज के बेसन के लड्डू अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।